ये सारे जो इफेक्ट्स हैं, एक बॉडी ने उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया है। एक्चुअल में साइड इफेक्ट है या साइकोलॉजिकल हमारे मन में? ये साइकोलॉजिकल है। एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, स्पेशली आफ्टर मैरिड लाइफ, दैट इज स्मोकिंग डैमेजेस देयर यूट्रस। स्मोकिंग के चलते धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्लॉट्स बनने लगते हैं, वो आगे चल के हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए फॉर्मेट में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी आदत को जिसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैंड इन मेनी मेनी प्लेसेस, इन ऑल पब्लिक प्लेसेस, फिर भी ये आदत आज के यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और आज हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की, और हमारे साथ इसमें आज डिस्कशन में पार्ट लेंगे एक बहुत ही रिनाउंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और स्मोकिंग सेसेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हुए, ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा पेशेंट्स को स्मोकिंग से मुक्ति दिलाई है, डॉक्टर सार्थक चक्रवर्ती ने। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम जुड़ेंगे नॉन स्मोकिंग अभियान से। इससे पहले जानते हैं क्या होती है स्मोकिंग, क्यों इसको छोड़ना इतना मुश्किल है, कैसे ये एडिक्शन बन जाती है, क्या जर्नी है जो पहली मांगी हुई या फ्री दी हुई सिगरेट से एक यंगस्टर को एक स्मोकिंग एडिक्ट बना देती है और उसको बड़ी बड़ी बीमारियों से एक्सपोज कर देती है, जैसे कि लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्लैडर कैंसर, बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सार्थक से, जो हमें इस सारी चीज़ों की जानकारी विस्तार में देंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर सार्थक। थैंक यू डॉक्टर सचिन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज के दिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है यंगस्टर्स के बीच में, और ये सिर्फ आज से नहीं है, ये एक ज़माने से, आई थिंक जब से मे बी सिगरेट इन्वेंट हुआ है या डिस्कवर हुआ रदर, तब से ये एक स्टाइल स्टेटमेंट रहा है। तो वो जो पहला सिगरेट या पीयर प्रेशर वाला स्मोकिंग स्टार्ट होता है एंड स्लोली स्लोली इट बिकम्स अ हैबिट, दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्विट। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि निकोटीन। स्मोकिंग सिर्फ एक आधार है सिगरेट के थ्रू, उसके अलावा भी टोबैको या निकोटीन हर इतनी सारी चीज़ों में पाई जाती है जिसकी आदत हर लेवल के लोगों को रहती है, जैसे कि बीड़ी, सिगार, यहाँ तक कि च्युइंग टोबैको, जिसे मसाला पान, मसाला गुटखा, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और इन सब से जो ये बच्चा बच्चा भी आज के डेट में जानता है कि कैंसर होता है, फिर भी लोग छोड़ नहीं पाते, एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज़ द निकोटीन जो इसमें पाई जाती है। तो इसमें एडिक्शन के और तो कोई कारण होंगे, निकोटीन के लेने के लिए तो आप कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, स्मोकिंग ही क्यों करना? तो ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है स्मोकिंग, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं, थोड़ा हमें डिटेल में बताइए कि कैसे ये बॉडी को अफेक्ट करती है। जी देखिए, सिगरेट जो है, जो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रही है, उसको जो बनाने का प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत, उसके अंदर कई हज़ार केमिकल्स मौजूद होते हैं सिगरेट में। मतलब देर हैव बीन रिसर्च आर्टिकल्स ने बताया है कि कुछ नहीं तो 7-8 हज़ार से ज़्यादा केमिकल एक छोटी सी सिगरेट में पाई जाती है, जिसमें ये सच है कि और कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निकोटीन वो एडिक्शन का कारण बनता है, और उसके अलावा बाकी सारे केमिकल्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो कैंसर हो या अस्थमा की बीमारी हो, COPD, काफ़ी सारी लंग्स की बीमारियां, या फिर कैंसर, ये सारी चीज़ें उन मौजूद केमिकल्स की वजह से होती है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ निकोटीन ही वो उस चीज़ की आदत पड़ाती है। लेकिन इसको रिप्लेस करने के भी तरीके हैं, और इसको कैसे छोड़ना चाहिए, सिगरेट छोड़ने में
वो चीज़ कैसे मदद कर सकती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि सिगरेट के अलावा जो च्यूइंग टोबैको होती है वो भी इक्वली हार्मफुल होती है, क्योंकि सिगरेट बनाने में उसमें केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है कि आप उसको बर्न करके उसको एक फिल्टर के थ्रू उसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन च्यूइंग टोबैको को आप डायरेक्टली ले रहे हैं मुंह में, और उसका जो तरीका होता है जो यूजुअली लोग उसको लेते हैं उसको काफ़ी घंटों तक मुंह के अंदर रखे रहते हैं, जिससे कि उसमें से धीरे धीरे निकोटीन निकलता रहता है और उनको वो इफ़ेक्ट मिलता है, उसकी वजह से मुंह का कैंसर बहुत कॉमन रहता है। बट हमें पता है कि इससे कैंसर होता है, हमें पता है कि इससे फेफड़े ख़राब होते हैं, सांस फूलता है, बहुत सारे बूढ़े लोग हमारे पास आते हैं जिनकी सांस की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि वो 10 कदम भी नहीं चल पाते हैं। सरकार भी दूसरी तरफ हमें कहती है कि हम इसके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, कोशिश चला रहे हैं। सिगरेट के पैकेट पर पहले लिखा हुआ आता था सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, अब फ़ोटोज़ भी आती हैं कैंसर की, बहुत ही ख़तरनाक और डरावनी फ़ोटोज़। मूवीज़ में जब भी कोई सिगरेट स्मोकिंग सीन आता है तो नीचे एक कैंसर के ख़िलाफ़ वार्निंग चलती है, हर मूवी के पहले और इंटरवल के बाद एक पूरा एडवर्टाइजमेंट आता है कि कैंसर से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, फिर भी ये छूट क्यों नहीं पा रही लोगों से? क्या सरकार के स्टेप्स में कमी है, या कुछ सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी वो करोड़ों अरबों सिगरेट रोज़ रोज़ बेच रहे हैं लोगों को, ये इसका क्या कारण है? डॉक्टर साहब एक बार हमें कुछ विस्तार से समझाइए। सुचिन जी, सही बताऊं तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो आज के डेट में लागू हुई हैं, जो ऐसा आप बता रहे हैं कि सिगरेट से पिक्चर से पहले एडवर्टाइजमेंट चलती है और बॉक्स पे भी ये मैंडेटरी कर दिया गया है सिगरेट कंपनियों के लिए लिखना और फोटो छापना, ताकि लोग इस चीज़ से डरे और इसका सेवन ना करें। सरकार इसके पीछे पैसा खर्च कर रही है, यहाँ तक कि हेल्पलाइन नंबर मौजूद है जिस पे आप मदद ले सकते हैं सिगरेट छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी लोग ये सारी चीज़ें जानते हुए भी इसको इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वो कह लीजिए 5 मिनट का सुख जो देता है आज के डेट में हमारे देश में, या कह लीजिए वर्ल्ड में ही, लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, इतने ज़्यादा परेशान है, या वो जो रैट रेस में दौड़ रहे हैं, वो जो दिन भर की भागा दौड़ी, उसके बाद निकोटीन क्या करता है एक्चुअली, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या कौन सा सुख वो सिगरेट या वो तंबाकू दे रहा है जिसकी वजह से लोग इतने सारे दुष्प्रभाव के होते हुए भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो है कि जब हमारे शरीर के अंदर निकोटीन जाता है, वो निकोटीन रिसेप्टर्स से जाके जुड़ता है जिस ब्रेन में, जिससे खून के थ्रू वो ब्रेन में जाता है और निकोटीन रिसेप्टर से जुड़ता है, जिसकी वजह से डोपामीन रिलीज़ होता है, एक तरह का केमिकल होता है, और उस डोपामीन की रिलीज़ की वजह से उस कुछ क्षणों के लिए, जितनी देर डोपामीन आपके ब्रेन में रहता है, आपको बेटर फील होता है, लाइट फील होता है, वो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है, और सिर्फ इस सेंस ऑफ हैप्पीनेस के लिए लोग सिगरेट छोड़ नहीं पा रहे। शुरू शुरू में जब हम पहली बार सिगरेट का कश लेते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, उस समय हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी यंग है, ब्रेन में न्यूमरस बहुत सारे निकोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं, और ये निकोटीन जब जाके वहाँ जुड़ता है, एक साथ खूब सारा डोपामीन रिलीज़ होता है, अब कह लीजिए डोपामीन का सैलाब आ जाता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, अरे ये मैंने क्या पा लिया, लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि अरे सिगरेट मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। उसी फीलिंग को दोबारा महसूस करने के लिए, पहला सिगरेट तो मान लीजिए किसी ने ज़ोर से पिला दिया या आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले लिया, लेकिन दूसरा सिगरेट उस फीलिंग के चलते आप पीते हैं कि क्या ऐसा दोबारा हो रहा है मेरे साथ। मेरे नोन में, मेरे आसपास में भी बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने दूसरी बार वो सिगरेट सिर्फ इसलिए पी कि देखने के लिए क्या वो वाली हैप्पीनेस, वो लाइट फीलिंग मुझे दोबारा मिलती है या नहीं। दोबारा भी मिली, तब भी रिसेप्टर्स यंग थे। उसके बाद तीसरी बार, चौथी बार, उसके बाद देखते देखते कब आपको आदत पड़ जाती है आपको नहीं पता चलता।
लेकिन वक्त के साथ साथ ये रिसेप्टर्स ख़त्म होने लगते हैं, वो जलने लगते हैं, या उसमें आप जब हर घंटे में सिगरेट पी रहे हैं या मतलब दिन में दो तीन चार पैकेट ख़त्म कर रहे हैं, वो रिसेप्टर्स में निकोटीन जुड़े ही रहते हैं, वो अलग नहीं हो पाते। निकोटीन कम से कम शरीर से निकलने में 72 घंटे लेता है, 72 आवर्स में फ्लश आउट होता है। तो आप अगर इतना सिगरेट पीते रहेंगे, आपके सर के जो ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर्स है वो घट जाते हैं, उतना डोपामिन रिलीज नहीं हो पाता, वो वाली फीलिंग नहीं आती जो पहली बार आई थी, इसलिए आप और पीने लगते और पीने लगते, करते करते मात्रा तो बढ़ जाती है लेकिन फीलिंग फिर घट जाती है, वो चंद सेकंड्स के फीलिंग में रह जाती है। और जब वो फीलिंग घटती है तो हमारा मन भी करता है कि हम छोड़ दें, ये बेकार ख़राब आदत है, ये कुछ शर्म की शेम की फीलिंग आती है। अब जैसे पब्लिकली ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है जितनी पहले थी, पहले तो एरोप्लेन में लोग बैठ के भी पीते थे, हर सिगरेट हर रेस्टोरेंट में, इवन सिनेमा हॉल्स में लोग सिगरेट पीते थे, अब धीरे धीरे हर जगह से बैन होती जा रही है। तो कभी कभी लगता है कि छोड़ दें, और छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं डॉक्टर्स, जैसा कि आप जानते हैं वर्स्ट स्मोकर्स एंड वर्स्ट ड्रिंकर्स होते हैं, तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अंडर ग्रेजुएट डेज में MBBS डेज में काफ़ी सिगरेट पीते थे, फिर उन्होंने छोड़ी, फिर वापस लग गई आदत, फिर कुछ कोशिश किया छोड़ दें, तो वो एक लाइन सी बन गई है कि सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है, मैंने तो कई बार छोड़ दी है ना, बहुत बार छोड़ी, बहुत बार वापस ली, बहुत बार छोड़ी। तो ये क्यों होता है, जब मन कर रहा है कि नहीं अब छोड़नी चाहिए, मुझे अपने इल इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं हेल्थ पे, मेरा सांस फूलता है, मैं खेल नहीं पाता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है, आसपास लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है तो भी सोच के डर लगता है कि भाई इससे हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं, छोड़ने का बहुत मन करता है, छोड़ते भी हैं, अगर वो फील नहीं आ रही है तो वापस क्यों शुरू हो जाता है ये सिगरेट पीना, जब डोपामिन रिसेप्टर नहीं है, निकोटीन रिसेप्टर नहीं है, फील भी नहीं आ रही है अब, तो मन भी कर रहा है छोड़ने का, फिर वापस क्यों शुरू हो जाती है? आपने बहुत सही कहा कि मतलब चाहे नॉर्मल इंसान हो या इवन डॉक्टर्स जो कि इस चीज़ के इल इफ़ेक्ट्स जानते हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट अब्यूजर्स ऑफ सिगरेट एंड अल्कोहल, ऐसी स्टडीज़ भी पाई गई हैं। इसमें देखिए एक डेटा मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे वर्ल्ड में समय जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 1.6 बिलियन स्मोकर्स हैं, मतलब 7 बिलियन के पॉपुलेशन में 10% से भी ज़्यादा लोग स्मोकर्स हैं। इस स्मोकिंग की सिर्फ इल इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर नहीं होते, आपके नियर एंड डियर वंस के ऊपर भी होते हैं, जिसे हम लोग सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। इन सारी चीज़ों के होते हुए भी लोग इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं या छोड़ने के बाद वापस आ रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें और डीप डाइव करना पड़ेगा, इस चीज़ के पीछे के लॉजिक को समझना पड़ेगा। पहले ये ज़रूर था कि प्लेन में या कहीं भी स्मोक करते थे, फिर उसके इल इफ़ेक्ट्स की वजह से गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से धीरे धीरे इन चीज़ों को पब्लिकली बैन किया गया। लेकिन जो जैसा मैंने बताया कि निकोटीन रिसेप्टर्स 72 आवर्स में बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं, तो अब आप अगर रेगुलरली ले रहे हैं, आपने छोड़ने की कोशिश की और अपने विल पावर से आप 3-4 दिन तक छोड़ दिया, आपने नहीं पिया, लेकिन फिर रहा नहीं जाता है। रहा नहीं जाता क्यों, उसके भी कई सारे कारण हैं। उसके कारण हैं कि सोशल गैदरिंग, आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे सब कोई स्मोक कर रहा है, आपके आसपास के लोग, ऑफिस के लोग स्मोक कर रहे हैं, उनको देख के आपको इच्छा होने लगती है। ब्रेन के जो दूसरे मैसेंजर्स है वो आपको वो सिग्नल देते हैं कि नहीं पियो, अच्छा लगेगा, सिगरेट पियो, बाकी सारे भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो चीज़ होती है। यहाँ तक कि मेरे कुछ ऐसे पेशेंट्स रहे हैं जो ये कहते हैं कि मैं घर में हूँ, अपने आप को बंद कर लिया है, टीवी देख रहा हूँ, लेकिन टीवी में अचानक किसी ने एक सिगरेट जला ली, मेरा मन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि ब्रेन उस साइकोलॉजी में चला गया है कि ये एक इलेटेड फीलिंग देता है, और वो 3-4 दिन के अंदर जब निकोटीन फ्लश आउट हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं उतने दिन बाद फिर से वो थोड़ी जो आपको नहीं मिल रही थी उससे एटलीस्ट एक लेवल या 1-2% ज़्यादा की इम्प्रूव्ड फीलिंग देता है। तो सिर्फ इन कुछ कारणों की वजह से लोग चाहते हुए भी इसको नहीं छोड़ पाते।
एक डेटा बताता है, इनफैक्ट मेरे खुद के पेशेंट्स भी रहे हैं, कि 90% जो क्विटर्स होते हैं विद इन 9 months वो फिर से स्मोक करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को क्विट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनलेस एंड अनटिल यू आर रेडी टू क्विट, आप वो चीज़ समझ रहे हैं कि मेरा स्टैमिना घटता जा रहा है, सांस नहीं ली जा रही है और अब ये छोड़ देना ही चाहिए, तब तक कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। बहुत ही दिल दहलाने वाले आंकड़े हैं डॉक्टर साहब, मतलब भारत की पॉपुलेशन से ज़्यादा यानी 160 करोड़ लोग स्मोक कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और फिर भी हम सिगरेट पीते जा रहे हैं लोग इतने सारे स्टेटिस्टिक्स के बावजूद, बहुत ही सरप्राइजिंग। और इंडिया का लेवल वर्ल्ड में, इंडिया का रैंक सेकेंड आता है नंबर ऑफ स्मोकर्स में। इंडिया का रैंक हर चीज़ में ही बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और बुरी चीज़ों में भी रैंक्स बढ़ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। हमें थोड़ा सा सब हम सब लोगों को इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत कॉस्ट है। देखिए अगर डेथ ना भी हो उसका कॉस्ट इतना बड़ा है, अगर हार्ट अटैक हो गया, आपका हार्ट वीक है, लंग्स वीक हैं, आप चलने फिरने में सक्षम नहीं है, कहीं भाग नहीं सकते, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी दोनों को ही हमें ध्यान में रखना है, बहुत बड़ा कॉस्ट है। पर डॉक्टर साहब आपने कुछ टर्म्स यूज़ किए अभी जो मैंने एक तो काफ़ी सुनी है, दूसरी पहली बार सुन रहा हूँ मैं, सेकंड हैंड और थर्ड हैंड स्मोक आपने बोला। सेकंड हैंड स्मोक तो मुझे लगता है पैसिव स्मोकिंग हम सब लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन उसके बारे में भी कुछ बताइए। और जो ये नई टर्म है थर्ड हैंड स्मोकिंग, ये क्या चीज़ है, ये हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। जी जी, ये रिलेटिवली नए टर्म्स है बट बहुत सिंपल है। पैसिव स्मोकिंग जो है आप भी जानते हैं, आजकल उस चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट्स में भी बताया जाता है कि जब हम स्मोक कर रहे हैं हमारे आसपास जो है, जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं धुआं, वो जो इनहेल कर रहे हैं वो इक्वली हार्मफुल है, जितना आपको स्मोकिंग से हार्म मिल रहा है उतना ही वो जो आपके पास खड़ा है उसको भी हार्म करता है। अगर वो ब्रीद इन कर रहा है ऑलमोस्ट सेम नहीं तो 70% अमाउंट ऑफ केमिकल्स और निकोटीन वो भी इनहेल कर रहे हैं, और उनको शायद आदत नहीं पड़ेगी बट उनके इंटरनली भी वो सारे डैमेजेस इल इफ़ेक्ट्स होते रहेंगे। ये जो थर्ड हैंड स्मोकिंग है इसमें लेटेस्ट रिसर्च में ये पाया गया है कि जब हम एक रूम में रहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में हम स्मोक कर रहे हैं, उस वो स्मोक और उसमें जो केमिकल्स निकले वो सेटल डाउन कर जाते हैं और वो वॉल्स में सॉफ्ट मटेरियल में ऐसे सोफों पर या फिर कारपेट्स में वो रह जाते हैं, उसके बाद एज फ्यूम्स वो धीरे धीरे मतलब अप टू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो आपको सिक करते रहते हैं, वो आपकी बॉडी में जाएंगे। तो इसलिए ऐसा मैं बहुत लोगों को मना करता हूँ कि आप ना घर में छुप के मत पिया करिए, आप इस कमरे में फैमिली है तो आप दूसरे कमरे में जाके पी लिया, नहीं, वो इफ़ेक्ट उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रह जाता है। यहाँ तक कि अगर वॉल्स में क्रैक्स है या कच्ची दीवार है वो सीप इन कर सकती है उस दीवार से इस दीवार में क्रॉस करके। तो दिस इज़ व्हाट थर्ड हैंड स्मोकिंग इज़, कि उस टाइम तो इफ़ेक्ट हुआ हुआ, साथ में जो है उसको भी इफेक्ट हुआ सेकेंड हैंड स्मोकिंग में, और थर्ड हैंड स्मोकिंग की बाद में भी कोई उस घर में आके रहने लगा या उस एरिया में वो क्रॉस किया, वो भी कहीं ना कहीं मे बी 10-20% बट अफेक्ट ज़रूर होगा। बिल्कुल, मैंने भी ये नोटिस किया है, तो आपने अच्छा नाम दे दिया इसको, बट अगर किसी जैसे होटल रूम में हम जाते हैं जो स्मोकिंग रूम हो, बेशक उन्होंने अच्छी तरह साफ कर दिया हो बट वो एक स्मेल हमेशा रहती है। आप किसी की कार में बैठते हैं जो स्मोकर होते हैं तो स्मोकर्स कार वो स्मेल बड़ी क्लियरली आती है। हाँ जी, हाँ जी। बट डॉक्टर साहब ये सब इतने इल इफेक्ट्स तो आ रहे हैं, फर्स्ट हैंड भी आ रहे हैं, सेकंड हैंड भी आ रहे हैं, थर्ड हैंड भी इफेक्ट्स आ रहे हैं, डिटेल में हमें कुछ बताइए क्या क्या है ये इतने सारे इल इफेक्ट्स जो हमने बातें तो करी, कैंसर भी हो सकता है बट काफ़ी और बीमारियाँ भी होती होंगी अगर इतना डेंजरस 7000 केमिकल हम अपनी बॉडी में अगर डाल रहे हैं दिन में 10-15 बार 5 बार, तो क्या क्या इफेक्ट्स और हो सकते हैं इससे? डॉक्टर सुचिन, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि सिगरेट या तंबाकू, टोबैको जो है आपके बॉडी के हर पार्ट को इफेक्ट करता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर फॉल या फिर आँखों में कैटरैक्ट होना, दांतों का इनामेल ख़राब होना, जो स्पेशली च्यूइंग टोबैको गुटखा वगैरह खाते हैं
उनके जो ओरल म्यूकोसा है, बहुत कॉमनली जो होता है वो होता है कि लोगों के टेस्ट चले जाते हैं, टेस्ट बड्स ख़राब होने लगते हैं उनको, या तो बहुत ज़्यादा मिर्च लगेगी या सॉल्ट का टेस्ट नहीं आएगा। मैं मतलब बीमारियां तो बहुत बड़ी बड़ी है, बट आप डे टू डे लाइफ में जिस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, मैं उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि एक जैसे ये टेस्ट बड्स हो गया, टेस्ट चला गया, साथ में स्मेल भी जाने लगती है। ये जो आप पी रहे हैं वो ना अंदर वो वॉर्म सूट है, मतलब आग तुरंत अंदर जा रही है, ऑलमोस्ट आँख से बर्नड हिस्सा, वो कहीं ना कहीं हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनको जलाने लगती है। सीलिया एक चीज़ होती है हमारे ब्रीदिंग ट्रैक्ट में, जो कि अगर कभी डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाए तो उनको लंग्स में जाने से रोकने के लिए वो उन चीज़ को बाहर निकालती है। वो सीलिया धीरे धीरे जल जाती है, बर्न हो जाती है, नोज़ की सीलिया बर्न हो जाती है, स्मेल आना घट जाता है। तो स्मोकर्स जो होते हैं यूजुअली उनकी टेस्ट और स्मेल बर्ड्स डिस्ट्रॉयड होते हैं। बट इस चीज़ के लिए ही कहा जाता है कि आप क्विट करिए, समय रहते क्विट करिए, बिकॉज दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। ये अगर आप एक पॉइंट तक जाके छोड़ देते हैं, आपकी स्मेल भी वापस आ जाएगी, टेस्ट भी वापस आ जाएगा, इनफैक्ट जो अंदर का सीलिया बर्न हो चुका है वो भी रीजनरेट कर सकता है विद इन 1 to 2 months। बट कुछ लोग तो इसको फ़ायदे में कंसिडर करते हैं, जैसे कुछ यंग पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आती हैं, स्पेशली गर्ल्स, वो कहती हैं अच्छा है, हमें भूख नहीं लगती इससे, टेस्ट नहीं आता, स्मेल नहीं आती, तो हमारा वेट लॉस हो रहा है सिगरेट पीने से, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। मैं इस चीज़ को एक इनडायरेक्टली समझाना चाहूँगा, क्योंकि इस चीज़ का भी बहुत मिसकॉन्सेप्शन है हमारे सोसाइटी में। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आती थी, वो वेट गेन करना चाहती थी कि बहुत ही दुबली पतली है, शादी नहीं होगी, जो कि हमारे इंडियन कल्चर में है, तो उस केस में कुछ दीजिए कि इनका वेट इंक्रीज हो, सिरप ले लिया, प्रोटीन पाउडर पी लिया, ये सारी चीज़ें कर ली। मैं जो कर सकता था, जो वे है, मेथड है, वो सारी चीज़ें की है। बाद में वो मेरे पास आए अच्छा खासा वेट गेन करके, ऑलमोस्ट स्वेल्ड अप थे। मैंने कहा क्या किया आपने, तो उन्होंने मेरे को एक दवाई दिखाई कि ये दवाई इनके किसी फ्रेंड ने ली थी, उन्होंने सजेस्ट की, इन्होंने भी लिया, बहुत अच्छा असर हुआ, एक महीने से ले रहे, और वो दवाई थी डेक्सामेथासोन। तो स्टीरोइड के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके एडिमा में, स्वेलिंग में, बॉडी स्वेलिंग में जा रहे थे। तो वही चीज़ है कि उनको अच्छा लगता होगा कि भूख नहीं लग रही, स्टैमिना आ रहा है, स्मोक करते हुए बहुत लोग रात भर काम कर जाते हैं, वेट लॉस भी हो रहा है, बट वो चीज़ उनको अंदर ही अंदर एक्चुअली डैमेज कर रही है, वो हार्म है। वो स्पेशली अगर आप गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सारे चीज़ों के साथ ही साथ उनको एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, स्पेशली आफ्टर मैरिड लाइफ, दैट इज़ स्मोकिंग डैमेजेस देयर यूट्रस। बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी गेटिंग प्रेग्नेंट इवन, तो इसलिए उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि शायद अभी आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी। और विमेन के साथ मेन की भी ये कुछ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, एजोस्पर्मिया हो सकता है, इनफर्टिलिटी होती है और बहुत कॉमन है स्मोकिंग की वजह से या तंबाकू की वजह से। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ ही साथ जैसे कि कैंसर की बात हो रही थी, लोग ये समझते हैं कि लंग कैंसर होगा या मुंह का कैंसर होगा, नहीं, टोबैको कैन कॉज कैंसर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मेल्स में यहाँ तक कि टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत कॉमन है स्टमक रिलेटेड कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर भी होता है स्पेशली च्यूइंग टोबैको के सेवन से। तो ये न्यूमरस वेज में आपको हार्म कर सकती है, आपके बॉडी को डैमेज कर सकती है। एक बहुत कॉमन फिनोमेना पहले पाया जाता था स्पेशली पहाड़ों में, जब बहुत ठंड की वजह से लोग कमरे के अंदर सिगड़ी कहते थे उसको, कोयला जला के और रख देते थे और रात भर उसमें रहते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि सुबह पूरी फैमिली डेड पाई गई अंदर। उसमें होता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है बॉडी के अंदर,
वो ऑक्सीजन शरीर को मिल नहीं पाता है और वो जो आग अंदर जल रही होती है वो पूरे ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसकी वजह से धीरे धीरे ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हमारा आयरन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने लगता है और हमारे खून को थिक कर देता है, जो कि बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। इसी वजह से थकान, सांस फूलना, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक वही चीज़ स्मोकिंग के साथ भी होती है कि जब हम स्मोक करते रहते हैं कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है और वो उसमें कन्वर्ट होने लगती है कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसी वजह से एक बीमारी होती है एम्फाइजमा या COPD, अस्थमा भी बढ़ चला है अभी। स्मोकिंग के चलते अस्थमा के पेशेंट्स का नंबर जस्ट डबल हो गया है। तो सिर्फ कैंसर या इस तरह की चीज़ें नहीं, स्मोकिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको कॉज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी या फिर आपके लंग्स की बीमारी, स्टमक की बीमारी, जो भी कह लीजिए। और इम्पोर्टेंस से भी कोई इसका रिलेशन है इनफर्टिलिटी के साथ साथ, मेल इम्पोर्टेंस? बिल्कुल। देखिए, हाँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हम भूल रहे थे कि स्मोकिंग के चलते धीरे धीरे प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स नैरो होने लगते हैं, उस ब्लड वेसल के नैरो के होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की चीज़ों में तो इसका फ़र्क पड़ता ही है। साथ में जब ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं वो आगे चल के हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं। वही सेम चीज़ इम्पोटेंसी भी कॉज कर सकती है आपको, मेल इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, इसके साथ साथ हार्ट अटैक, डायबिटीज़ को और ये बढ़ा देता है, शुगर कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाता है और ब्लड प्रेशर अपने आप में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इतनी सारी बीमारियां इससे हो रही हैं डॉक्टर साहब, ऊपर सर से लेकर आपने कहा कैटरैक्ट तक स्मोकिंग से हो जाते हैं, इम्पोर्टेंस है, इनफर्टिलिटी है, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज़ का ख़राब होना, ब्लड प्रेशर बन जाना। तो कोई तो सेफ़ अल्टरनेटिव होगा ना इसके लिए? सिगरेट से हम मान रहे हैं चलिए 7000 केमिकल हमारे अंदर आ रहे हैं, बट यंगस्टर्स तो कहते हैं अब सिगरेट की जगह हम हुक्का पी लेंगे या वेपिंग कर लेंगे, ई सिगरेट्स ले लेंगे, विच आर नॉट एज हार्मफुल क्योंकि उसमें इतने केमिकल्स नहीं आ रहे। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आर दीज सेफर चॉइसेस रियली सेफ या इसमें भी कुछ इश्यूज हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए सेफ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ धुआं बन के अंदर जा रही है वो कुछ ना कुछ आपको हार्म ज़रूर कर रही होंगी। ये ई वेप्स जो आजकल मार्केट में पाई जाने लगी है उसमें निकोटीन की मात्रा ज़्यादा है और केमिकल्स हैं, कम है, मे बी एक सिगरेट से कम है लेकिन फिर भी है। और निकोटीन सिगरेट छोड़ने के लिए ई वेप मदद कर सकती है, लेकिन अभी एक लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया है कि ये निमोनिया कॉज करती है। उसमें इनफैक्ट डॉक्टरों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है पता करना, क्योंकि ये वायरल निमोनिया भी नहीं होता है, बैक्टीरियल भी नहीं होता, ये ई वेप के चलते लंग्स में पानी भर जाते हैं, तो ये और हार्मफुल है। उसी के साथ साथ हुक्का, हुक्का तो आप डायरेक्ट टोबैको बर्न हो रहा है उसका सेवन कर रहे हैं, एक सिगरेट या तंबाकू से ज़्यादा हार्मफुल है हुक्का। तो ये सारे जो अल्टरनेटिव्स है ये कोई भी सेफ अल्टरनेटिव नहीं है। सेफ अल्टरनेटिव कहा जा सकता है जिसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, क्योंकि ये जो सिगरेट की आदत पड़ती है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि निकोटीन जब हमारे बॉडी में जाता है और हमें फील गुड होता है, तो निकोटीन इन सारे केमिकल्स को अलग करके अगर सिर्फ निकोटीन लिया जाए तो कहीं ना कहीं संभव है कि हम सिगरेट या तंबाकू या बीड़ी इस तरह की चीज़ों को छोड़ दे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, एक इसमें एक डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। निकोटीन च्युइंगम्स वगैरह आते हैं, निकोटीन कई फॉर्म में पाए जाते हैं, निकोटीन लॉजेंजेस आते हैं, निकोटीन पैचेस आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसकी सलाह ज़रूर डॉक्टर से लेनी चाहिए। अदरवाइज़ क्योंकि निकोटीन की वजह से वही फीलिंग आपको मिल रही है तो आपको इसकी आदत पड़ जाती है, फिर
फिर इसको छुड़ाना और मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि खुद छोड़ना इसको बहुत मुश्किल काम है, और आप कोई भी अल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं अगर सिगरेट छोड़ने के लिए, बेशक वो ई सिगरेट्स हो, वेप्स हो, हुक्का हो, निकोटीन पैचेस हो, च्युइंगम्स हो, गमीज़ हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में एक हार्मफुल चीज़ है। इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू, स्पेशली यंग लोगों के लिए, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस करता है, तो आपके मैरिड लाइफ में, आपकी कॉन्जुगल लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे जाके। तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि हम खुद नहीं छोड़ सकते, अगर खुद छोड़ सकते होते तो अभी तक छोड़ दी होती हमने, क्योंकि कई बार मन तो करता है छोड़ने का। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? डॉक्टर साहब आप बताइए, आपके पास आ जाएं सीधे या किसके पास जाएं, ये कैसे छोड़ें हम आदत? देखिए, डेफिनेटली आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए। इसमें दो तरीके हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका विल पावर स्ट्रांग है, जो समझ रहे हैं इस चीज़ की ग्रेविटी को, कितना हार्मफुल है, वो खुद भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद छोड़ना असंभव है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आप इसमें बेसिकली हम लोग जो फॉलो करते हैं, इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रेजुअल डिक्रीज, दूसरा होता है कोल्ड टर्की मेथड। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उससे पहले कि जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, इसके इल इफ़ेक्ट्स कुछ दिनों तक रहते हैं। जैसा मैंने बताया था, निकोटीन हमारे शरीर से अराउंड 72 आवर्स में फ्लश आउट हो जाता है। तो जब निकोटीन फ्लश आउट हो जाता है तो वो जो तलब होती है, जिसे कहते हैं अर्ज, वो फील, वो धीरे धीरे कम हो जाने लगती है। और आप अगर मैं यूं कहता हूं कि ये पूरा खेल एक हफ्ते का है, अगर आप एक हफ्ता किसी तरह कंट्रोल कर ले गए तो उसके बाद बहुत आसान हो जाता है छोड़ना, और आप खुद से छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो टॉयलेट ही नहीं जा पाते सुबह बिना सिगरेट के। हाँ जी, हाँ जी, तो एक हफ्ता कैसे जाएंगे डॉक्टर साहब बिना टॉयलेट जाए? ये सारे जो इफेक्ट्स हैं, एक बॉडी ने उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया है। एक्चुअल में साइड इफेक्ट है या साइकोलॉजिकल हमारे ये साइकोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकली बॉडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकती है जो एक्चुअली रियल लगती हो, बट ये सारी चीज़ें अपने आप ही नॉर्मलाइज होने लग जाती हैं। उस केस में ज़रूर एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। और देखिए, इसमें कई तरह की चीज़ें चलती हैं, जिसमें आपको दवाई के साथ साथ कहीं ना कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो हम आपको ज़्यादातर, बेसिकली वी कॉल इट अ सपोर्ट ग्रुप, हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आप इसको सिर्फ छोड़े ना, आप इस पर वापस भी ना आए। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि 90% लोग फिर से स्मोकिंग करने लगते हैं, आप अकेले नहीं हैं। कई लोग ये चीज़ सोचने लगते हैं कि मैं ये इतनी मेहनत करी क्यों रहा हूँ जब मुझसे छूट नहीं पा रही है, बार बार मैं करने लगता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कीप ट्राइंग, आज नहीं तो कल ज़रूर छूटेगी, और जब छूटेगी तब आपको जो उसके फ़ायदे मिलेंगे वो इनवैल्यूएबल है। इस सेंस में कि जब आप सिगरेट स्मोकिंग करना छोड़ते हैं, विद इन 24 आवर्स आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, विद इन 3 डेज बॉडी से निकोटीन फ्लश आउट हो जाता है, एक हफ्ते के अंदर आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, एक साल के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ब्रीदिंग, स्टैमिना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, एक साल के अंदर अंदर आपके कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें नॉर्मल होने में वक्त लगती है, और 5 से 10 साल सिगरेट छोड़ने के बाद आप एक उस इंसान के बराबर आ जाते हैं जिसने कभी सिगरेट नहीं पिया हो। लेकिन आई बिलीव कि जो हार्ट अटैक आपको 10 साल पहले आ सकता था, 10 साल बाद आए तो बेटर है देन कि डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स। नो, डेफिनेटली आई एग्री, जितनी देर से बीमारी आए उतनी अच्छी है। और ये जो आपने स्टैटिस्टिक्स बताए बहुत इनकरेजिंग है कि विद इन अ फ्यू आवर्स आपके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दूर हो जाते हैं, विद इन अ फ्यू डेज आपका हार्ट हेल्दी होने लगता है, साल भर में तो कैंसर के चांसेस भी एज गुड एज नॉन स्मोकर हो जाते हैं, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर आप कोई भी ये सुन रहा है, आई थिंक स्मोकर, तो हम सब
इनकरेज्ड होंगे ये सोच के स्मोकिंग छोड़ने के लिए, बट फिर से वापस आते हैं डॉक्टर साहब उसी चीज़ पे कि वो जो तरीके आप बताने वाले हैं कि कैसे छोड़ें। आपने बताया एक कोल्ड टर्की मेथड है, एक ग्रेजुअल एस्केप मेथड है, एक कुछ और मेथड्स आपने शुरू में डिस्कस किए थे हमारे साथ जो आप एस्केप जिसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम लोग स्मोकिंग छोड़ सकते हैं? जी इसमें बेसिकली अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, एक तो आपने मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछा था कि किसके पास जाएं, तो आपको बेसिकली ENT डॉक्टर्स, रेस्पिरेटरी डॉक्टर्स जो लंग स्पेशलिस्ट होते हैं, या इवन MD मेडिसिन जो होते हैं फिजिशियंस, जनरल फिजिशियंस भी हेल्प कर सकते हैं। इस केस में जो मेनली फॉलो किया जाता है वो है ग्रेजुअल रिडक्शन या कोल्ड टर्की मेथड। ग्रेजुअल रिडक्शन क्या होता है कि इसमें आप मान लीजिए ये डॉक्टर ही बेसिकली डिसाइड करता है, बट फॉर एग्जांपल आप दिन के 4 या 5 सिगरेट ही लेते हैं और काफ़ी समय से लेते आ रहे हैं, तो उस केस में आपको कोल्ड टर्की मेथड सजेस्ट करते हैं कि आप एक डेट चुन लीजिए विद इन अ वीक कि मैं इस दिन के बाद से सिगरेट नहीं पीऊँगा। आप तब तक अपना जो भी 3-4-5 सिगरेट पी रहे पीजिए, और आज आपका आखिरी होगा, कल से आप कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे, ठीक है? तो जब नंबर ऑफ सिगरेट्स कम रहते हैं ना, उतने ज़्यादा अर्जेस या उसके स्टॉप करने के तुरंत बाद ही जो फीलिंग आती है वो कम होते हैं, और विड्रॉल इफेक्ट्स जिन हम जिसे कहते हैं एजिटेटेड होना, इरिटेट होना, नींद नहीं आना, मोस्टली लोग इसीलिए परेशान होते हैं कि उनको इंसोम्निया हो जाता है, तो ये हम ग्रेजुअल मेथड में करते हैं ताकि आप कोल्ड टर्की मेथड में करते हैं ताकि आप अगर ज़्यादा नहीं पी रहे हैं आप तुरंत उसको रोक दीजिए। उसके बाद जो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं थ्रू सर्टन मेडिकेशंस, या उनको एलिवेट करने की कोशिश करते हैं। जो ग्रेजुअल मेथड है वो स्पेशली हम चूज़ करते हैं उन लोगों के लिए जो ऑलमोस्ट 2-3 पैक पर डे ले रहे हैं, वो एकदम से अगर रोकेंगे उनको बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे और वो तुरंत फिर से स्मोक करने लगेंगे। इसलिए उन लोगों के लिए बेटर है कि वो दिन के 1 या 2 सिगरेट करके कम करते चले जाए, और उनको 1 से 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि वो डेट चूज करके और विद इन दैट 2 वीक्स पीरियड 0 पे आ जाए। उसी बीच में मेडिकेशंस भी स्टार्ट कर दी जाती है ताकि उनके जो रिडक्शन के बाद वो फिर से इंक्रीज ना करे, वो विड्रॉल इफेक्ट्स ना आए, उनको काम किया जाता है। तो ये तो हो गई मेथड की कैसे छोड़ा जा सकता है। इसके साथ में मेडिकेशंस और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में च्युइंगम्स पाई जाती हैं, पैचेस पाए जाते हैं, लॉजेंजेस पाए जाते हैं, जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है। कई लोगों को लॉजेंजेस अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको च्युइंगम वगैरह कड़वे लगते हैं, तो उस तरीके से आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके और उन चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हम सब शुरू करते हैं, च्युइंगम्स लेना शुरू करते हैं, डॉक्टर से बात भी कर लेते हैं, सब कुछ शुरू हो जाता है, अब स्मोकिंग छोड़ भी दी, लेकिन फिर हम जाते हैं एक पार्टी में, वहाँ हमारे पुराने दोस्त हैं और वो कहते हैं अरे 1-2 ड्रिंक के बाद 1 सिगरेट से क्या फ़र्क पड़ता है, 1 सिगरेट तो ले ही सकते हो ना, 1 सिगरेट में क्या हो जाएगा ऐसा, और फिर अनफॉर्चुनेटली वो बांध टूट जाता है और वापस वही शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे बचें? क्या सच में 1 या 2 सिगरेट हार्मलेस हैं? कोई एक लेवल है कि इतनी सिगरेट पीने से तो कोई नुकसान नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा? और अगर नुकसान है तो इससे कैसे बचा जाए इन सारी सिचुएशन से, कि हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में एक ग्रुप बना हुआ है जो हर 3 घंटे में बाहर जाता है सिगरेट पीने साथ में, और वहीं असली नेटवर्किंग होती है, वहीं पे सारी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। अब आपको ये भी लगता है कि मैं मिस कैसे करूं बाहर जाना, क्योंकि सब कुछ तो वहीं पता चल रहा है, लेकिन जाऊंगा तो वहां सिगरेट पीने का मन करेगा या वो कहेंगे अच्छा 1 से क्या फर्क पड़ता है पी लो, तो ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जाए? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल सिचुएशंस है। इस चीज़ के लिए अगेन एंड अगेन मैं यही चीज़ कहूँगा, मैं इनफैक्ट अपना एग्जांपल देना चाहूँगा, बीइंग अ डॉक्टर आई हैवंट स्मोक्ड टिल डेट, ठीक है? और इसमें जो है कि जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है
पीपल रेस्पेक्ट योर चॉइस, रेस्पेक्ट योर ओपिनियन. अगर आप उसे स्ट्रांगली पुट डाउन करते, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको खुद से छोड़ना चाहते हैं. क्योंकि काफ़ी सारे टाइम ऐसा होता है, पेशेंट्स जो है मेरे पास आते हैं, उनके फैमिली वाले लेके आते हैं कि इनको बहुत नुकसान हो रहा है, ये वो है, इनका प्लीज़ छुड़वाइए. ठीक है, तो उस केस में मैं पेशेंट से पूछता हूँ, आप छोड़ने को रेडी हैं कि नहीं है? क्योंकि फैमिली के प्रेशर में आके अगर आप छोड़ेंगे, आप ज़रूर यू विल गो बैक टू इट. तो इसलिए आई डोंट इवन एक्सेप्ट पेशेंट्स जो कि खुद से विलिंग नहीं है. अनलेस एंड अनटिल आप विलिंग हो रहे हैं, आप स्ट्रांग हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ एक्चुअली हार्मिंग यू, आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे. ये जो आप पीयर प्रेशर और दोस्तों की बात कर रहे हैं और ऑफिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप जाइए, बिल्कुल जाइए, मिलिए, बट आप यू शुड से नो, मैं छोड़ चुका हूँ, मैं नहीं पीता. कोई नहीं फोर्स करेगा, एक दो लोग होंगे फोर्स करेंगे, एक आध बार करेंगे, बाद में वो भी समझ जाएंगे कि नहीं, ये नहीं पीते हैं. हाँ, आप ज़रूर उसमें पैसिव स्मोकिंग के शिकार बनेंगे, सेकेंड हैंड स्मोकिंग के, बट हो सकता है आप एक एग्जाम्पल बन जाए, आप उनके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट डाले, हो सकता है आपकी वजह से कोई और भी सिगरेट छोड़ दे. लेकिन इसमें मैं समझता हूँ इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू से नो. साथ ही साथ आप ये कह रहे थे कि कितना एक वो होना चाहिए कि इतना सिगरेट सेफ है और इतना नहीं है. डॉक्टर सुजन, एनी नंबर ऑफ सिगरेट इज़ हार्मफुल. इसमें कोई एक मिनिमम क्वांटिटी नहीं है कि एक सिगरेट पी लिया और उससे कुछ नहीं होगा. एक जो आती है ना माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके अलग अलग सिगरेट्स आती है, ये सब कंपनी के टैक्टिक्स हैं और ये एडवर्टीजमेंट्स है. एक माइल्ड सिगरेट में भी उतना ही टार आपके लंग्स में जाएगा जितना एक स्ट्रॉन्ग सिगरेट में जाएगा. वो आजकल काफ़ी पतली पतली लंबी सिगरेट्स आती है, लोगों को लगता है कि ये छोटी है, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है. मतलब आई वुड से आज से 30-40 नहीं और 70-80 साल पहले जब सिगरेट शुरू शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम कंपनियाँ इस तरीके से एडवर्टाइज करती थी कि हमारे डॉक्टरों को अभी इस सिगरेट और कैंसर के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है, ये पीना नुकसानदेह नहीं है. यहाँ तक कि वो एडवर्टाइज करती थी प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी, इसको कोई भी पी सकता है, किसी तरीके का हार्म नहीं है, और ये स्टाइल स्टेटमेंट है, आपके हाथ में सिगरेट है तो आप स्मार्ट है. तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए कि कोई भी सिगरेट सेफ नहीं है, इवन वन सिगरेट इज़ हार्मफुल. कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि माइल्ड, अल्ट्रा माइल्ड, लाइट सिगरेट्स, ऐसा कुछ नहीं है. चाहे वो किसी भी रंग की हों, चाहे कितनी भी थिकनेस की हों, चाहे कितनी भी लेंथ की हों, हर सिगरेट हार्मफुल है. सो यू जस्ट नीड टू से नो, नो एवरी टाइम एंड ईच टाइम टू अ सिगरेट. कोई भी आपको ऑफर कर रहा है वो आपका असली दोस्त नहीं है, तो दोस्ती के नाम पर मत पीजिए, ड्रिंक्स के साथ मत पीजिए, किसी पार्टी में मत पीजिए, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से मत पीजिए. सिंपल आंसर है कि सिगरेट मत पीजिए, चाहे किसी भी तरह से आपको उसका प्रलोभन दिया जाए. जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा, दैट इज़ द वे कि जस्ट से नो. लेकिन बहुत लोग होते हैं वो इतना ब्लंटली कह नहीं पाते, तो उसके लिए भी कुछ आसान तरीके हैं. जैसे कि आप इस चीज़ को हम लोग एस मेथड बोलते हैं. एस यानी अवॉइड, चेंज और एस्केप. तो अवॉइड में जो लोग आपको इस तरह के सोशल सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपको फोर्स किया जाएगा सिगरेट पीने के लिए, वैसे सिचुएशंस अवॉइड कीजिए या फिर चेंज कर दीजिए. वहाँ पे ऑफ कोर्स नौकरी नहीं चेंज कर सकते, वहाँ अवॉइड कीजिए, सोशल सर्कल चेंज कीजिए. यानी कि भाई सारे ही लोग सिगरेट पीते हैं तो हम चेंज कर देते हैं वैसा सर्कल, और वो भी नहीं कर सकते तो उसके बाद एस्केपिंग है कि भाई आप कुछ रीज़न दे दीजिए, मैं नहीं आ पा रहा, मिल नहीं पा रहा. तो ये जस्ट अल्टरनेटिव तरीके हैं. क्योंकि देखिए, जस्ट सेइंग नो टू सिगरेट इज़ नॉट इनफ. नो टू द होल एनवायरनमेंट, नो टू द कैंपेन्स जो ये कंपनियां चलाती हैं. बताइए, जो कंपनी प्रेगनेंसी में सिगरेट पीने को सेफ बोल रही है, तो उस पर हम क्या ही विश्वास कर ले. मतलब ये जो हमने अभी बात की थी, इनफर्टिलिटी वगैरह होती है, अगर प्रेगनेंसी में आप स्मोकिंग करते हैं तो बेबी को हार्म होगा, स्टिल बर्थ
या मतलब यहाँ तक कि बोन्स पे इफेक्ट होता है, आपके बेबी की हाइट नहीं ग्रो करेगी, आपके खुद के बोन्स पे तो इफेक्ट होता ही है, बेबी के भी बोन्स पे इफेक्ट होगा, तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो जस्ट से नो आइदर दिस वे और दैट वे। आई एग्री विद यू डॉक्टर साहब, वी शुड ऑल जस्ट से नो टू सिगरेट्स बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट पीना अगर कंपनीज प्रमोट कर सकती हैं, जो कि ये करती थी, कि स्पेशल सिगरेट्स बनाई थी 50s और 60s में कि सिगरेट पीजिए तो आप प्रेगनेंसी में काम रहेंगे, आपका बेबी भी काम रहेगा, जबकि अब हमें कंक्लूसिव प्रूफ है हमारे पास कि सिगरेट पीने से अबॉर्शंस होती हैं, स्टिल बर्थ्स होते हैं, बेबी वेट अफेक्ट होता है, बेबी में डायबिटीज़ होती है आगे, बेबी की हाइट कम हो जाती है सिगरेट पीने से। तो जो कंपनीज़ ऐसे कैंपेन्स हमारे को प्रमोट कर सकती हैं, वो ये भी कर सकती हैं कि ये सिगरेट लाइट है, ये सिगरेट माइल्ड है, इस सिगरेट से इतनी खराश नहीं होती, ये सिगरेट आपके लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ जस्ट से नो टू ऑल दीज कैंपेन्स, इन पर विश्वास बिल्कुल मत करिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि ठीक है, अब हमने आपका वीडियो देख लिया, अब यंग लोग तो चलो छोड़ देंगे, हम तो इतने सालों से पी रहे हैं, अब तो मैं 60 का हो गया, अब तो मैं ज़िंदगी भर से बीड़ी सिगरेट पी रहा हूँ, अब इट इज़ टू लेट फॉर मी टू क्विट, अब क्या फ़ायदा है ना, अब मैं छोड़ के क्या करूँगा, छोड़ भी नहीं सकता हूँ, इट इज़ टू लेट फॉर मी टू क्विट। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, इट इज़ नेवर टू लेट टू क्विट, सही बात तो ये है, ठीक है। आप जिस दिन आप रियलाइज़ कर रहे हैं, उस दिन से अगर आप छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कोई बेनिफिट ही आपको प्रोवाइड करेगा, हार्म नहीं। आप सिर्फ आदत हो गई है और लेट काफ़ी टाइम से पी रहे हैं, उसकी वजह से यू विल स्टिक ऑन टू इट। तो जैसा कि मैंने कहा था, चलिए आपको अपनी परवाह नहीं है कि अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे कैंसर भी हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप अपने परिवारजनों को तो रिस्क में डाल रहे हैं ना, परिवार में आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन, सेकेंड हैंड स्मोकिंग, थर्ड हैंड स्मोकिंग की जो हम लोग बात कर रहे थे। और आप अगर छोड़ना चाहें, आपको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स का फ़ायदा ना भी मिले, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में आपकी खुद की ब्रीदिंग इम्प्रूव होगी, आपके टेस्ट और स्मेल वापस आएगी, और भी चीज़ें, मतलब कई सारी ऐसी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ आप बेड पे पड़ जाएं और खुद को हेल्प करने के लायक भी न रहे, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि क्विटिंग एट एनी एज इज बेनिफिशियल, कोई लेट या जल्दी नहीं होता है। तो अगर अपने लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं या लगता है कि आपको बहुत देर हो चुकी है सिगरेट पीते हुए, तो अपने परिवार के लिए छोड़ दें, अपने बच्चों के लिए छोड़ दें, अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन के लिए छोड़ दें, या फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए छोड़ दें, सिगरेट पीना किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी बातें की फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स की, कैंसर से लेकर के, और मुंह का स्वाद चले जाना, स्मेलिंग पावर कम हो जाना, स्टमक इलनेसेस होना, इनफर्टिलिटी होना, इम्पोर्टेंस होना। कुछ चीज़ें बताइए जो सोशल और मेंटल इफ़ेक्ट्स इसके बहुत सारे हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो डिप्रेस्ड रहते हैं इस वजह से कि या तो वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई ऐसा स्मोकर है जो नहीं छोड़ पा रहा है। तो सोशल और मेंटल प्रेशर्स इसमें क्या क्या हैं और उनसे कैसे हम लड़ सकते हैं? देखिए डॉक्टर सुजन, मैं ना इस चीज़ को सिर्फ एज सच क्विट स्मोकिंग या सिगरेट छोड़ना नहीं कहता, ये जो चीज़ है ना, इट इज़ अ कम्प्लीट जर्नी। क्विट स्मोकिंग अपने आप में एक जर्नी है कि उस पॉइंट से जहाँ से आप सिगरेट छोड़ रहे हैं, लेके उस पॉइंट तक आना जहाँ पे आप मतलब मेंटली, इमोशनली, फिजिकली उस चीज़ से बाहर हैं, प्लस आपकी फैमिली भी उस चीज़ से खुश हैं या आपके सोशल सर्कल, और आप उस बैड हैबिट से बाहर निकल पाए हैं। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है ना, ये होता है हैबिट का। बहुत सारे लोगों में ये पाया गया है कि अगर वो स्मोक ना भी कर रहे हो ना, उनको ये मतलब ये फीलिंग पसंद है कि मेरे दो उंगलियों के बीच में एक सिगरेट है। तो ये सारी चीज़ें, अलग लोगों की अलग चॉइसेस होती है, पसंद होती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो सोशल इफ़ेक्ट होता है कि इधर आपका ग्रुप ऐसा है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आप स्मोक
नहीं कर रहे हो या छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जैसा मैंने कहा बाकी सारे लोग स्मोक करते हैं, वो धीरे धीरे आपसे कटने लगेंगे कि इससे बात करके फ़ायदा नहीं है, हमेशा मना करते हैं या पिएगा नहीं, या जब आप किसी पार्टी में जा रहे हो आप दूर ही बैठे हो, आप खुद ही अपने आप दूर ही आ जाती है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए जब हम अपने क्लिनिक में ये कैंपेन करते हैं तो हमारे लिए मेंटल हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हम हमेशा अपने सारे पेशेंट्स को एक काउंसलिंग सेशन एडवाइस करते हैं ताकि उनको ये वो इन सारी चीज़ों से अवगत हो सके और मेंटली भी प्रिपेयर्ड रह सके कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सिर्फ बॉडी पे इफेक्ट आना, गुस्सा आना, नींद नहीं आना, इन सारी चीज़ों के अलावा भी आगे चल के कैसे इफ़ेक्ट्स आएंगे, लोग उस चीज़ को कैसे लेंगे, आप उस चीज़ को कैसे लेंगे, गिल्ट या शर्म वो चीज़ कैसे ख़त्म हो, साथ ही साथ इमोशनली भी जैसे कि मैंने कहा ये सारी चीज़ें ना केमिकल का वो है, कॉम्बिनेशन है, ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ हो रही है, वो आपको अच्छा फीलिंग लगता था, अब काफ़ी टाइम मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको अच्छा ही नहीं फील हो रहा है, आप स्मोकिंग तो आपने क्विट की लेकिन आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को भी कैसे डील किया जाए, किस तरीके से अपने डिप्रेशन से फाइट किया जाए, क्योंकि देखिए इसमें हम जो चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि काफ़ी सारे अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं अपनी क्रेविंग और अपने उसको अवॉइड करने के लिए, सबसे बेस्ट होता है अपने आप को आप इंगेज कीजिए, काम में इंगेज कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, क्योंकि ऐसे भी काफ़ी केसेस मैंने देखे हैं आप दिन भर काम करेंगे आपको ना वो अर्ज भी नहीं आती, फीलिंग भी नहीं आती, जहाँ आप फ्री हुए तब मन करता है कि चलो सिगरेट पी ले, मतलब कि वो आपके लिए नेसेसिटी नहीं है, आप अगर बिज़ी हैं तो आप बिना सिगरेट के भी शायद दो दिन भी चले जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, अपने आप को इंगेज करना, क्रेविंग्स कम करने के लिए डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट में भी कुछ वैसे रिसेप्टर्स है जो ब्रेन में डोपामिन रिलीज करते हैं, तो डार्क चॉकलेट, ब्लैक कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती है, साथ ही साथ जिनको वाकई में ज़रूरत है उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी लेनी चाहिए। तो आप ये बता रहे हैं कि निकोटीन की जगह हम कैफीन का इस्तेमाल करें, वो सेफर है कंपेयर टू सिगरेट? कंपेयर टू अ सिगरेट डेफिनेटली सेफर है, जैसा मैंने कहा था कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जब लोग निकोटीन की च्युइंगम यूज़ करने लगते उसकी भी आदत पड़ जाती है, कैफीन अपने आप में बेटर है एक सिगरेट से, लेकिन हाँ कैफीन के दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह चीज़ें हो सकती है, बट जो चीज़ मैंने आपको कहा कि जो जर्नी चल रही है उस जर्नी में ये हेल्पफुल होगी, एक पॉइंट के बाद आपको किसी चीज़ की आदत नहीं करनी है। तो आपने अपने क्लिनिक और ये जर्नी के बारे में जो बताया, कोई एक ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस आपको याद आ रहा हो जिसकी जर्नी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरली इंटरेस्टिंग रही हो, या आपके क्लिनिक में एक ऐसा कोई चैलेंजिंग केस आया हो, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। एक पर्टिकुलर केस था, इनफैक्ट वो एक फीमेल थी, एंड इसमें सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए ये था कि उन्होंने 3 बार क्विट किया, 3 बार शी गॉट बैक टू इट, उनकी जॉब जा चुकी थी उस वजह से, उसके बाद मतलब कुछ फैमिली मैरिटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आए थे मैरिड लाइफ में, एंड लास्ट में जो चीज़ हुई उनके साथ कि शी गॉट कैंसर, बट शी फॉट, शी सर्वाइव्ड, आज की डेट में वो क्विट कर चुकी हैं कम्प्लीटली, इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 ईयर्स दैट वो सिगरेट अब नहीं छूती है, लेकिन उस समय हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया था समझना कि जब किसी इंसान को कैंसर हो गया, कैंसर की खबर होने के बाद भी शी वॉज स्टिल स्मोकिंग, तो हम भी उलझन में पड़ गए थे, वी ट्राइड टू टॉक टू हर डिस्कसर, फाइनली जो चीज़ समझ में आई ना कि उनको लग रहा था उस समय सब कुछ मेरे हाथ से निकल जा रहा है, अब लाइफ भी शायद निकल जाए, बट वो जो दो एक मोमेंट था ऑफ स्मोकिंग दैट वाज गिविंग हर अ सेंस ऑफ कंट्रोल, ये मेरे हाथ में है, ये मैं जब चाहूँ पी सकती हूँ, वो उस समय मुझे बेटर फील करा रहा है, लेकिन जब उनको अच्छे से हमने समझाया और जब वो कैंसर से फाइट करके सर्जरी के बाद
फिट हो गई आफ्टर ऑल कीमोथेरेपी एंड एवरीथिंग. तो वो चीज़ ने उनको फिर एक नई होप दी एंड देन शी एक्चुअली क्विट. तो इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप चाहेंगे आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं. इट हैज़ टू बी योर विल पावर, अदरवाइज डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता. बहुत ही इंस्पायरिंग और स्कैरी स्टोरी एट द सेम टाइम कि उनको कैंसर भी हो गया तब भी वो सिगरेट पीती रहीं. ये बहुत सारी एडिक्शंस ऐसी होती हैं हमारी जो हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं बट वो हमें कंट्रोल करती रहती हैं. कुछ दिनों हम सिगरेट पीते हैं फिर सिगरेट हमें पीती है. ऐसे ही शराब का हाल है, ऐसे ही मोबाइल फ़ोन्स का हाल है. हमें लगता है हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं बट वो हमें हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स की अब मुझे चार्ज करो, अब मेरा मैसेज देखो, अब मेरी ईमेल पढ़ो. तो हमें लगता है कि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं बट दीज एडिक्शंस कैन बी एक्सट्रीमली स्कैरी. बट उम्मीद की एक किरण ऑब्वियसली है. छोड़ रहे हैं लोग, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में छोड़ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस में छोड़ रहे हैं, हमारे जानकार लोग छोड़ रहे हैं सिगरेट. तो हम सब छोड़ सकते हैं अगर हम अपना मन बना लें और हम ये रियलाइज़ करें कि अ सिगरेट इज़ अ स्टिक विद फायर एट वन एंड एंड अ फूल एट दी अदर. तो एक तरफ तो उसमें आग और धुआं होता है लेकिन दूसरी तरफ एक बेवकूफ़ी होता है जो पी रहा है सब कुछ पता होते हुए कि इसके कितने नुकसान हैं. तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपको छोड़ने से पहले कुछ हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं, उनके कुछ सवाल आए हैं बीच में, तो अगर आप अलाउ करें तो हम कुछ सवाल आपसे डायरेक्ट ऑडियंस से पूछवाना चाहेंगे. तो ये कुछ सवाल हैं डॉक्टर साहब मेरे पास. पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या सिगरेट पीने से बाल भी झड़ जाते हैं? जी जी, सिगरेट पीने से बाल बिल्कुल झड़ सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा था कि ब्लड फ्लो पे ये अफेक्ट करता है और अगर हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उनकी ब्लड फ्लो कम हो जाए तो उनकी जड़ें कमज़ोर होने लगती है, उसकी वजह से हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है. तो अगर आपको अच्छे बाल और अच्छी स्किन चाहिए तो सिगरेट पीना छोड़ना होगा. एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि क्या सिगरेट पीने से नशा होता है किसी तरह का या सिर्फ ये रिलैक्सेशन के लिए है? वैसे तो ये अपने आप में ही एक नशा है. नशा वो हर चीज़ है जिसकी आदत पड़ जाए. बट नहीं, इट इज़ नॉट इंटॉक्सिकेटिंग, इट्स जस्ट द फीलिंग जो आती है एंड इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग. वो जैसा मैंने कहा था कि निकोटीन और डोपामिन के रिलीज की वजह से कुछ मिनटों तक ही रहती है, घंटा भी नहीं रहती है. तो नहीं, इससे नशा नहीं होता है. कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने शराब के साथ सिगरेट का सेवन किया तो नशा डबल हो जाता है, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा देखिए, वो जो नशा हो रहा है वो अल्कोहल की वजह से ही हो रहा है, शराब की वजह से ही हो रहा है. जो उस टाइम अल्कोहल के चलते केमिकल रिलीज हो रहे हैं और सिगरेट पीने से डोपामिन रिलीज हो रहा है तो और बेहतर लगने लगता है, या जिसे हम लोग लाइट हेडेडनेस कहते हैं, हल्का लगने लगता है. तो हाँ, इंक्रीज कर सकता है उसके इफेक्ट को, लेकिन सिगरेट अपने आप में नशा नहीं करता. एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि सिगरेट पीने से क्या स्ट्रेस कम होता है? हाँ, डेफिनेटली वही इकलौता कारण है कि सब कोई सिगरेट पी रहा है और जो डोपामिन रिलीज होता है वो उस टाइम हमारे सारे स्ट्रेस और टेंशन को कम कर देता है. तो लेकिन इसका ये कारण नहीं है जिसके लिए इसकी आदत लगाई जाए. लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इतने कि टेंशन बढ़ा देता है, बाद में कैंसर, एम्फाइसीमा, एस्मा, सब उससे टेंशन और स्ट्रेस बढ़ जाता है. एक सवाल आया कि प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करने की आदत लगी हुई है इनको काफ़ी ज़्यादा और ये उससे परेशान हैं. मोहतरमा तो कह रही हैं कि मुझे बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं स्मोकिंग कैसे छोड़ूँ? ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है क्योंकि डेफिनेटली प्रेगनेंसी में आपके बेबी को हार्म होगा, आपको खुद को भी हार्म होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सबसे जो मेन चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी. उसके लिए आप एक डॉक्टर से मदद लें क्योंकि प्रेगनेंसी में कई तरह की दवाइयां चलाई नहीं जा सकती जिसकी वजह से आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है. तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी पैचेस में भी आती है जो आपके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन हाँ, अगर आप कंसर्न्ड है और स्पेशली अपने बेबी के लिए, तो आई थिंक 2-3 दिन की ही तकलीफ है लेकिन आप इसे ज़रूर छोड़ सकते हैं. बिल्कुल जी, प्रेगनेंसी में सिगरेट और शराब
कई गुना ज़्यादा हानिकारक हैं आपको और आपके बच्चे दोनों को। तो ज़रूर अपने डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, अपने फैमिली को रीच आउट करिए। एक स्टिग्मा मत बनाइए कि मैं छुप छुप के पी रही हूँ, किसी को बता नहीं सकती हूँ। तो डू कन्फाइड एंड डू ट्राई टू क्विट एज क्विकली एज पॉसिबल अगर आप अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना चाहती हैं। तो एक सवाल है जो आपने पहले भी टच किया था कि वो कह रहे हैं कि मैं कभी कभी पीता हूँ और बहुत कम पीता हूँ, तो ये कैसे पता लगाएं कि मुझे एडिक्शन है या नहीं? देखिए, एडिक्शन उस पॉइंट पे कहा जाता है जब इंसान मतलब बिना उसे पिए रह नहीं सकता। लेकिन अगर आप कभी कभी पी रहे हैं और बहुत कम पी रहे हैं, मतलब अगर आप महीने में भी एक बार पी रहे हैं, वो आपको नुकसान ज़रूर पहुंचा रही है। तो इसलिए ये ऑफकोर्स इसको एडिक्शन नहीं कहेंगे या आप वो नहीं है, लेकिन जैसा कि अल्कोहल के केस में भी होता है, जैसे अगर डॉक्टर कभी हिस्ट्री लेता है, तो आपने लाइफ में सबसे पहली बार जब अल्कोहल पिया था, चाहे आपने बचपन में पापा के ग्लास से एक सिप लगा ली हो, उस दिन से गिना जाता है। तो इसलिए सिगरेट की भी कहानी कुछ वैसी ही है कि आप चाहे महीने में या 6 महीने में भी एक बार पी रही हो, कुछ हिस्सा वो ज़रूर आपका डैमेज कर चुकी है, लंग्स का नुकसान कर चुकी है, तो उस केस में भी इसको छोड़ देना ही बेहतर है। और इसी रिलेटेड अगला सवाल है कि अगर डैमेज हो चुका है तो सिगरेट से जो फेफड़े ख़राब हो चुके हैं या हार्ट ख़राब हो चुका है, उसको ठीक कैसे किया जाए? सही बताऊं डॉक्टर साहब, इस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता अगर आप वक्त रहते सिगरेट ना छोड़े। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि एक पॉइंट के बाद अगर आप सिगरेट छोड़ दे रहे हैं, तो इसमें रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, आपके टेस्ट वापस आ जाती है, स्मेल वापस आ जाती है, लंग्स की ट्रेकिया भी सही हो जाती है। लेकिन अगर उसमें इरिवर्सिबल डैमेज आ चुका है, जो कि डॉक्टर टेस्ट करके बता सकते हैं एक्सरे वगैरह से, MRI से, तो उस पॉइंट से वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके सिगरेट छोड़ें। तो डैमेज अगर इरिवर्सिबल स्टेज तक पहुंच जाएगा तो आपको वापस ठीक करना मुश्किल है, लेकिन उससे पहले अगर आप सिगरेट छोड़ दें तो डेफिनेटली आपके सारे रिस्क वापस हो जाते हैं ठीक। जैसा डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था कि विद इन अ फ्यू आवर्स कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कुछ दिनों में आपके हार्ट पे इफेक्ट ठीक हो जाता है, कुछ हफ्तों में, और फिर साल भर में कैंसर के रिस्क तक खत्म। इसी टाइप से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये जैसा आपने डैमेज के बारे में पूछा, काफ़ी सारे लोग आते हैं कि मुझे छोड़ना नहीं है, बट कुछ ऐसा दे दीजिए कि मेरा लंग डिटॉक्सिफाई हो जाए, वो जो पिक्चर एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है कि लंग से तार निकल रहा है, तो कुछ ऐसा दीजिए कि पूरा खांसी के थ्रू मेरा तार निकल जाए। तो ये भी मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आपका पूरा तार निकल जाए, या ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर दे। डिटॉक्सिफाई सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब आप सिगरेट पीना छोड़ दें। बिल्कुल, सिगरेट छोड़ना पहला स्टेप है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें सोचें। ऐसा ना सोचें कि सिगरेट पीते पीते हम साथ में डैमेज रिपेयर करते रहेंगे। अगर कोई भी दवाई या कोई भी प्रोडक्ट इस चीज़ को क्लेम कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो फॉल्स क्लेम है और उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए हमें। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, क्या सिगरेट पीने से हाइट रुक जाती है? कोई एक ये स्कूल स्टूडेंट हैं, बहुत यंग हैं, कह रहे हैं मैं स्कूल में हूँ और सिगरेट पी रहा हूँ, तो क्या मेरी हाइट रुक जाएगी, इससे नहीं बढ़ेगी हाइट? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो ये जो आदत पड़ती जा रही है यंगस्टर्स में, ये बहुत अपने आप में ही डेंजरस है और आप बहुत यंग एज में ही काफ़ी सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ आप 18 से ऑलमोस्ट 21 साल की उम्र तक भी एक चांस रहते कि आपकी हाइट बढ़े। तो जब आप यंग एज में ही सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, उसका अफेक्ट्स आपके बॉडी पे तो हो ही रहा है, ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है, साथ ही साथ आपके बोन्स पे भी होता है। तो इसलिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी हाइट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। सिगरेट स्मोकिंग अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ करती हैं, उनके बच्चों के बोन फॉर्मेशन में भी वो डैमेज करता है, वो बच्चे भी उतने टॉल नहीं हो पाते, वो रादर ड्वार्फ ही नाटे जिन्हें कहा जाता है वो रह जाते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग सिर्फ मतलब अनगिनत चीज़ें हैं जिन पर अफेक्ट करता है, चाहे वो बाल हो, शरीर हो, पेट हो, हड्डी हो, हर चीज़ पर अफेक्ट करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए कि सिगरेट स्मोकिंग कितनी डेंजरस है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली होगी और अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिली होगी कि कल से स्मोकिंग नहीं करेंगे या बहुत कम कर देंगे या एक डेट कम से कम निर्धारित कर देंगे जिस दिन से आप स्मोकिंग छोड़ देंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कोल्ड टर्की मेथड अप्लाई करेंगे। अगर इसके बावजूद आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम और हमारी टीम और डॉक्टर साहब खुद जल्द से जल्द आकर उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए और लाते रहें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर सुचिन बजाज, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम अपना मन बना लें और हम ये रियलाइज करें कि अ सिगरेट इज अ स्टिक विद फायर एट वन एंड एंड अ फूल एट दी अदर। तो एक तरफ तो उसमें आग और धुआं होता है लेकिन दूसरी तरफ एक बेवकूफ़ ही होता है जो वो पी रहा है सब कुछ पता होते हुए कि इसके कितने नुकसान हैं।